बल्दिया का इलेक्शन है, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तरक्की की बात नहीं करेंगे, लाइट ड्रेनेज मोरी की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो पाकिस्तान की, रोहिंग्या की, अफगानी की, और कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गया। आप बताइए मेरा गुनाह क्या है? मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं भारत के आईन को मानता हूं और मानता रहूंगा। मैं भारत के आईन के चार दीवारी में रहकर अपनी सियासी जिद्दोजहद कर रहा हूं। मेरा गुनाह इतना ही है कि मैंने नरेंद्र मोदी के CAA कानून को भारत के आईन और संविधान के खिलाफ कहकर उसको फाड़ दिया। मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है कि मैंने ट्रिपल तलाक के उस कानून को गैर कानूनी करार दिया और मैंने ये कहा कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नहीं बल्कि उनके खिलाफ बनाया जा रहा है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मुझे जिना इसलिए कहा जाता है कि मैंने ऐसे कानून के खिलाफ पार्लियामेंट में वोट दिया जो हुकूमत को इख्तियार देती है कि किसी को भी दहशतगर्द करार दे दिया जा सकता है। ये मेरा गुनाह है, इसीलिए हमको जिना के नाम से पुकारा जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि मेरे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के उस फैसले को कबूल नहीं किया था। मुल्क बनकर 70 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी हमको जिन्ना के नाम से पुकारा जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता